हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपना कार्य कर रहे होंगे। चलिए आज हम पढ़ेंगे एसईईआरटी द्वारा दी गई वर्कशीट दिनांक 21 मार्च 2022, क्रमांक संख्या 50। आज की कार्य पत्रिका कक्षा नर्सरी की है। यहाँ पर ए बी सी आपका जो भी सेक्शन हो लिख लीजिएगा। यहाँ विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे शिक्षक और शिक्षिका का नाम। अगर बच्चों आपको लिखना आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो घर में किसी बड़े की सहायता ले लीजिएगा, वो आपकी मदद करेंगे। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है वर्कशीट में। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। भाग संख्या 1, आइए एक कहानी सुनते हैं देव के दादा दादी। देव अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहता है। वो बहुत खुश है क्योंकि उसके दादा दादी देहरादून से उसे मिलने के लिए आ रहे हैं। उसने सुबह जल्दी उठकर अपने दांतों को साफ किया और नहाकर दूध पिया। थोड़ी देर बाद दरवाजे की घंटी बजी और उसने देखा कि उसके दादा दादी आ रहे हैं। मम्मी ने सभी को खाने के लिए दाल चावल और दही दिया। सभी ने मिलकर खाना खाया। यहाँ पे देखिए बच्चों, पिक्चर में ये है दांत, दादा दादी, दूध, दरवाजा, दाल और दही। चलिए आगे देखते हैं बच्चों आगे क्या है। भाग संख्या 2, आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आइए इसके बारे में चर्चा करें। तो बच्चों ये कहानी आपको पसंद आई ना, चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। कहानी में लड़के का क्या नाम है? देव। कहानी में लड़के का नाम देव है। देव से मिलने कौन आ रहा है? देव से मिलने दादा दादी आ रहे हैं। दादा दादी कहाँ से आ रहे हैं? दादा दादी देहरादून से आ रहे हैं। मम्मी ने खाने के लिए क्या क्या बनाया था? तो मम्मी ने खाने के लिए दाल चावल और दही बनाया है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों आगे क्या दिया है। अच्छा बताओ, इन शब्दों को बोलते समय सबसे पहले कौन सी आवाज आई? सही पहचाना द की। किसकी आवाज आई बच्चों? द की। यहाँ पे देखिए, द से दांत, द से दादा दादी, द से दूध, द से दरवाजा, द से दाल, द से दही। तो यहाँ पर द की आवाज आ रही है, द अक्षर की। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। भाग संख्या 3, अब नीचे दिए गए चित्रों को बोलकर देखें और वह द अक्षर की आवाज से शुरू होने वाले चित्रों पर गोला लगाएं। यहाँ पे द अक्षर से शुरू होने वाले चित्र पे हमें गोला लगाना है। तो चलिए बच्चों लगाते हैं। ये द से दवाई, द से दवात, द से दर्जी, द से दांत और द से दिल और द से दीवार। तो इतनी चीजें जो हैं वो द से हैं। द से दवाई, द से दीवार, द से दांत, द से दिल, द से दर्जी, द से दवात। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग संख्या 4, आइए अब नीचे दिए गए के चित्र में रंगीन कागज अखबार के छोटे छोटे टुकड़े फाड़ कर चिपकाएं। यहाँ पर दिया है बच्चों, इसमें आपको रंगीन पेपर इस तरह से फाड़ के चिपकाना है और अपने दिए को सुंदर बनाना है। कोई भी आकार हो आप काट काट के इस पे चिपकाइएगा, स्टिक करिएगा, तो आपका दिया सुंदर लगेगा। तो इस तरह से बच्चों आप पेपर, न्यूज़पेपर, मैगजीन या कलरफुल पेपर का यूज़ करके आप अपने दिए को रंग बिरंगा बना सकते हैं। आप इस तरह से चिपकाइएगा बच्चों, सुंदर लगेगा। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि द अक्षर से शुरू होने वाले शब्दों के नाम व उनकी पहली आवाज़ की पहचान का अभ्यास बच्चों को कराया जा सकता है, जैसे दीवार, देखना, दलिया आदि। आज का कोविड का मैसेज है कि अपने हाथों को साबुन पानी से नियमित रूप से धोएं। नियमित रूप से धोएंगे तो कोरोना भागेगा और हम जीतेंगे। उम्मीद करते हैं कि मेरी वर्कशीट आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी बच्चों। पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल बना है तो मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय।